जय श्री कृष्णा दोस्तों, अपना देश चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, वैशाख का जो महीना होता है वो भगवान श्री कृष्ण का, भगवान विष्णु का बहुत ही प्रिय महीना होता है। स्नान दान के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। दोस्तों, वैसे तो वैशाख महीने की हर तिथि का अपना विशेष महत्व है, साथ ही एकादशी अमावस्या और पूर्णिमा का विशेष महत्व रहता है। और दोस्तों, वैशाख की जो पूर्णिमा है उसका पुण्य तो बहुत ज़्यादा होता है, साथ ही वैशाख पूर्णिमा को महात्मा बुद्ध की जयंती के रूप में भी इसे मनाया जाता है। और दोस्तों, हर महीने आने वाली पूर्णिमा तिथि पर भगवान श्री सत्यनारायण की कथा सुनने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। वैसे तो हर महीने ही भगवान सत्यनारायण की कथा सुनने का बहुत अधिक पुण्य फल मिलता है, लेकिन अगर वैशाख की पूर्णिमा हो उस दिन आप सत्यनारायण भगवान की कथा सुनते हैं, पूजा करते हैं, व्रत करते हैं, तो उसका बहुत अधिक फल मिलता है। दोस्तों, अगर आप स्वयं नहीं कर सकते तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वीडियो ऑन करके भी कथा का आनंद ले सकते हैं, उसका पुण्य आपको उतना ही मिलने वाला है। लेकिन दोस्तों, सिर्फ पूजा और व्रत करने से आपको फल नहीं मिलेगा, उसके लिए कुछ ऐसी बातें हैं जो हमें भूल कर भी नहीं करनी चाहिए, उनका विशेष ख्याल रखना चाहिए। दोस्तों, जब भी कोई शुभ दिन हो, घर में पूजा पाठ हो, तो कुछ बेसिक नियम होते हैं, उनका हमें जरूर से पालन करना चाहिए। जैसे कि सबसे पहली चीज़, तो जब भी घर में पूजा हो, कोई विशेष दिन हो, तब देर तक नहीं सोना चाहिए, उस दिन जल्दी उठ जाना चाहिए। जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर जल्दी उठकर आपने उस दिन पूजा करनी चाहिए, ताकि उस शुभ दिन के शुभ मुहूर्त का आप अत्यधिक लाभ ले सकें। और दूसरी जो सबसे ज़रूरी चीज़ है दोस्तों, जब भी घर में पूजा पाठ हो तो आपने स्नान के पहले पूरे घर को अच्छे से साफ कर लेना चाहिए। घर में कहीं गंदगी कूड़ा नहीं रहना चाहिए। किसी बड़ी पूजा का आप आयोजन कर रहे हैं या सत्यनारायण व्रत कथा का आयोजन कर रहे हैं, तो आपने उसके पहले ही एक दो दिन पहले ही कोई भी कूड़ा करकट, पुरानी चीज़ें, कचरा सामान सब घर से बाहर निकाल देना चाहिए। घर को बिल्कुल साफ सुथरा कर लेना चाहिए, साथ ही सफाई होने के बाद पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव कर देना चाहिए। इससे घर में किसी भी तरह की नेगेटिव एनर्जी जो है वो नहीं रह पाती है। दोस्तों, इस तरह के माहौल से ही आपको पूजा का पूरा पूरा फल मिल पाएगा। और इसके साथ ही दोस्तों, जब भी कोई घर में पूजा हो तो अपने घर की मेन गेट पर आम के पत्तों की बंधनवार आप जरूर से लगाएं। दोस्तों, जरूरी नहीं कि आप मार्केट से खरीद के महंगी महंगी बंधनवार लगाएं, बिल्कुल ज़रूरी नहीं। आप सिंपल आम के पत्तों से खुद ही बंधनवार बना लें। अगर पॉसिबल है तो आप गेंदे के फूल भी उसमें ऐड कर सकते हैं, सिर्फ आप आम के पत्तों की बंधनवार भी बना सकते हैं। दोस्तों, इससे घर का वातावरण सात्विक होता है, और घर का जो मेन गेट होता है वो पॉजिटिव एनर्जी को घर में एंटर करवाता है, तो उसको साफ़ सुथरा रखना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा दोस्तों, जिस दिन भी पूजा अर्चना करनी हो, और स्पेशली पूर्णिमा के दिन, आपने काले कपड़े बिल्कुल भी नहीं पहनने चाहिए। इस चीज़ का ख्याल रखें, इस दिन आप ऑरेंज, रेड, येलो ये सब कलर पहन सकते हैं, कि बिल्कुल भी काला और सफ़ेद, इन दोनों को आपने बिल्कुल से अवॉइड करना है। दोस्तों, पूजा के दिन अपने तन और मन और अपनी वाणी को, अपने व्यवहार को, सभी को संयमित रखना बहुत ज़रूरी है। इस दिन आपने ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। किसी के लिए किसी भी तरह के गंदे ख्याल आपके दिमाग में भी नहीं आने चाहिए, क्योंकि इस तरह के गंदे ख्याल आपकी ईश्वर के प्रति भक्ति भावना को खराब करते हैं, दूषित करते हैं। और दोस्तों, इसके साथ ही आपको पूजा का जो फल मिलने वाला है वो तो मिलेगा नहीं, हाँ अभिशाप जरूर से मिल सकता है। इसलिए दोस्तों, जब भी पूजा अर्चना करें तो बिल्कुल मन और भावनाओं पर कंट्रोल रखें, और बहुत ही साफ सुथरी भावना के साथ, सात्विक भावना के साथ ईश्वर का ध्यान करते हुए आपने इस दिन पूजा करनी चाहिए। इसके साथ ही दोस्तों, पूर्णिमा के दिन बाल, नाखून ये सब नहीं काटने चाहिए, शेविंग भी अवॉइड करनी चाहिए, और स्त्रियों को इस दिन बाल नहीं धोने चाहिए। ये बेसिक छोटी छोटी चीज़ें हैं दोस्तों, जिनका कि हमें ख्याल रखना चाहिए। इसके साथ ही पूर्णिमा के दिन, क्योंकि दोस्तों पूर्णिमा और अमावस्या जो है वो पितरों के निमित्त भी बताई जाती है, इस दिन पितरों की पूजन अर्चन करने का दिन होता है, इसलिए इस दिन भूल कर भी अपने बुजुर्गों का अपमान ना करें। वैसे दोस्तों, अपने बुजुर्गों का अपमान आपको किसी भी दिन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन सब कामों से आपके पितर नाराज ही होंगे। और साथ ही दोस्तों, पितर भी तो हमारे पूर्वज यानी कि पूर्वज ही हैं, तो अगर हम उन्हें निराश करते तो हमारे पितर कैसे खुश होंगे। तो आप चाहते हैं कि उनका आशीर्वाद मिले, तो अपने घर के बुजुर्गों का सम्मान करें,
भूल कर भी उनका मान ना करें, उनसे अपशब्द ना भूलें। इसके साथ ही पूर्णिमा के दिन अगर आप व्रत करें या ना करें, इस चीज़ का ख्याल रखें कि आपने किसी की निंदा नहीं करनी, किसी की चुगली नहीं करनी, किसी को अपशब्द नहीं बोलने। दोस्तों ये ज़रूरी नहीं कि आप आमने सामने बैठ कर ही आप अपशब्द बोलें। आप फोन पे, व्हाट्सएप के थ्रू, किसी भी तरीके से टेक्स्ट मैसेज के थ्रू भी आपने किसी की निंदा नहीं करनी, किसी को बैड वर्ड्स नहीं बोलने, किसी के बारे में कोई गंदा ख्याल नहीं लेके आना। क्योंकि दोस्तों ये सब चीज़ें जो होती है ना, वो इनडायरेक्टली हमारे मन में नेगेटिविटी को लाती है, हमें नेगेटिव बना देती है। तो इन सब चीज़ों से हमें बिल्कुल दूर रहना है। जो लोग हमें नेगेटिविटी की तरफ लाते हैं, यानी जिनसे बात करके हमें गुस्सा आता है, तो इस ऐसे दिनों में उन लोगों को ही आपने अवॉइड करना चाहिए, ताकि आपके मन में किसी तरह के गंदे ख्याल आए नहीं, किसी के लिए गुस्सा या किसी भी तरह की जो नफरत है वो बिल्कुल भी नहीं जागे। इसके साथ उस घर का जो वातावरण है वो बिल्कुल से शांत रहे, घर में सुख शांति का माहौल रहे, ये बहुत जरूरी है। और इसके लिए क्या जरूरी है, अपने गुस्से पे कंट्रोल करना दोस्तों। क्योंकि जहाँ गुस्सा होगा वहाँ लड़ाई झगड़ा होगा, जहाँ लड़ाई झगड़ा होगा वहाँ कलह बढ़ेगा, और जहाँ कलह बढ़ेगा वहाँ सुख शांति कैसे रह सकती है, और जहाँ सुख शांति नहीं वहाँ माँ लक्ष्मी कैसे रह सकती है। दोस्तों तो इनडायरेक्टली अगर आप चाहते हैं माँ लक्ष्मी आपके घर में वास करे, तो गुस्से को आपको घर के बाहर निकालना होगा, अन्यथा माँ लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाएंगी। दोस्तों पूर्णिमा का जो दिन होता है, इस दिन स्नान और दान का विशेष महत्व होता है। अगर किसी पवित्र नदी में स्नान कर पाए तो सबसे बढ़िया, नहीं तो अपने घर के ही जल में आप पवित्र नदियों का जल ऐड कर लीजिए और स्नान कर लीजिए। और दोस्तों सबसे जो जरूरी बात है ना, जो कहावत कही गई है कि मन चंगा तो कठौती में ही गंगा, तो आपका मन साफ है, मन चंगा है, तो आपको आपके घर में ही नदियों के स्नान का फल मिल जाएगा। बस अपनी भावनाओं को जो है वो अच्छा रखना जरूरी है। तो उसमें बहुत ही छोटी छोटी बातें, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि वैशाख पूर्णिमा का पूरा पूरा फल मिले, माँ लक्ष्मी की असीम कृपा जो है आप पर हमेशा बरसती रहे, तो इन छोटी छोटी बातों का आप ख्याल रखें, ताकि माँ लक्ष्मी की असीम कृपा जो है आपको प्राप्त हो सके। तो दोस्तों अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो इसे आप शेयर जरूर से कीजिएगा। साथ ही दोस्तों एक चीज़ और जो मैं बोलना भूल गई, कि कभी भी आप व्रत करके पूजा के दिन एक तो शराब ना पिए, किसी भी नशीली चीज़ का आपने बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, और पूर्णिमा के दिन आपने सात्विक भोजन नहीं करना, लहसुन प्याज और नॉनवेज को एकदम से अवॉइड करना। इस चीज़ का आपने बहुत अच्छे से ख्याल रखना है। और दोस्तों क्योंकि कोई भी चीज़ है, चाहे इस तरह के जो तामसिक भोजन है वो उत्तेजना बढ़ाते हैं, वैसे ही मद्यपान शराब ये सभी हमें उत्तेजित करते हैं, हमारा अपने आप से कंट्रोल हटा देते हैं। तो इन सब चीज़ों को आप विशेष दिन बिल्कुल से अवॉइड करें, कोशिश करें कि आप लाइफ में इन्हें कभी यूज़ ना करें। तो सर इन छोटी छोटी बातों का ख्याल रखें। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो आप इसे शेयर कीजिएगा। अपना देश चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटे के बटन को प्रेस कर दीजिए। हम फिर हाजिर होंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक देखते रहिए, कमेंट में जरूर से लिखें जय श्री कृष्णा।